मैदान में नहीं उतरे हैं, एक गलत बात प्रदीप जी ने कही। राधा रानी के ऊपर उनका एक वक्तव्य आया जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और उसके लिए वो क्षमा याचना कर रहे थे और करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूं, अनपढ़ हूं, हमें कुछ आता नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी जी ने जो आत्मनिवेदन किया है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदना पावई पारू वर्णे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवारू। तुलसी जी ने यहां अपने नाम के साथ मतिमंद और गंवार शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसका संदर्भ ये है कि शिव चरित्र लिखने के बाद मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं कि शिव चरित्र तो अथाह सागर है, उसका पार तो वेद भी नहीं पा सकते, तो मैं मतिमंद और गंवार व्यक्ति उसका पार कैसे पा सकता हूं। यहां उन्होंने अपने लिए गंवार शब्द का प्रयोग किया। ये उनका अपने इष्ट के प्रति आत्मनिवेदन है, उनकी प्रपन्नता है, उनकी शरणागति का भाव है। इस भाव को यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तुलसीदास की तरह गंवार हूं, तो गोस्वामी जी गंवार नहीं है साहब। उन्होंने इतना बड़ा रुद्राष्टक लिखा, इतना राम साहित्य लिखा, रामचरितमानस को लिखा, और उस रामचरितमानस को उस समय जहां विद्वत समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, तो तुलसी जी के इस ग्रंथ को काशी में भगवान विश्वनाथ ने प्रतिष्ठा दी, उन्होंने इसे अपने हस्ताक्षर करके इस ग्रंथ को मान्यता दी, तब तुलसी जी का ग्रंथ धर्म ग्रंथों में शामिल हुआ। जो तुलसी बचपन में भगवती पार्वती के हाथ से भोजन करते हैं, जिन्हें उनके जीवन काल में श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन होता है, जिन्हें राम दर्शन होता है, वो तुलसी गंवार है प्रदीप मिश्रा की तरह। ये बात बुद्धि गम्य नहीं है और ये बात क्षम्य भी नहीं है, ये क्षमा के योग्य भी नहीं है। महाराज जी आज क्या करा आपने? मैंने प्रशासन को भी पत्र लिखा है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है, एसपी को भी लिखा है और जीवाजी ने थाने में भी दिया है कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं इससे। और मेरी नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर राम कथा कर रहा हूं और जितने राम मेरे इष्ट हैं इतने ही तुलसी भी मेरे आराध्य हैं। मैं तुलसी को जिस ढंग से देखता हूं, तुलसी साहित्य में तू शब्द का प्रयोग जो गोस्वामी जी ने किया है वो भगवान राम के लिए किया है। तू दयालु दीन हो, तुम दयालु हो, मैं दीन हूं, ऐसा तुलसी कहते हैं, ये उनकी प्रपन्नता है। और ल शब्द से मुझे लक्ष्मण का आभास होता है और सी शब्द से सियाजू का आभास होता है, इसलिए तुलसी शब्द में ही राम, लखन और जानकी विद्यमान है, इसलिए तुलसी भी मेरे इष्ट हैं और राम भी मेरे इष्ट हैं। ठीक है।